तो आइए मेरे श्रोताओं, ये एक रागनी आपके बीच में कि राजा देवदत्त अपनी बड़ी रानी फूलकुमार से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, और जब रानी फूलकुमार ओ फूल कवर के गर्भ पड़े, मेरे श्रोताओं बताते रानी फूलकुमार उसी दिन से सोचना शुरू कर देती है कि मेरी संतान कैसी कैसी होनी चाहिए और क्या क्या मेरे को करना चाहिए 9 महीनों के अंदर। तो वहां पर सोचती है, तो कवि ने बड़ी अच्छी बातें लिखी है। कवि बताता कि वे पहला महीना और दूसरा महीना इसी तरह से पूरा गर्भ 9 महीने का जब होता, तो कवि ने ये बात यहां से बताई कि कैसे कैसे सोचती हो रानी फूलकुमार। आइए इस रागनी में कैसे क्या बताया। शुक्ल पक्ष के तंदर माजू दिन दिन कला सवाई बात लिखी हमारे पंडित जी ने कि जब रानी के पहला मास लग गया तो क्या क्या खाती और कैसे बैठती उठती है, क्या बताया। सुपारी खाने लगी गंगा जल कर लोटाले शिव शिव जी सिंधन चाल लगी। अरे तुझा मास लग्या रानी ने मटना मलमल लान लगी 24 घंटे हरी न रटती हरी कीर्तन गान लगी। क्या रानी ने का वर्णन किया पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे चौथे महीने का कैसे जिक्र किया कवि ने, क्या बताया क्या क्या करती है।
बोलना छोड़ दिया सबका नरजा धरिया काल से बाट तोलना छोड़ दिया। अरे पद्मा मासल क्या रानी ने घूंघट खोलना छोड़ दिया पदे बेटे पर शाही आ जा बाहर डोलना छोड़ दिया का वर्णन कर दिया कवि ने। और जब तीसरा नंबर आया और सातवें मास का जिक्र करने लग गया कि केके रानी ने खाना से केके नहीं और वही रानी सोचती है क्या बता क्या क्या होया खटाई छोड़ दे सूक्ष्म भोजन खान लगी और पति मिठाई छोड़ दे। अरे आत्मा मास लग्या रानी ने आंख में स्याही छोड़ दे अर्तम बैठी रवे पलंग पे और सैर घुमाई छोड़ दे। पंडित जी ने लिख दिए और लास्ट के दिन कुछ दिन रह गए तो लास्ट कली में पंडित जी ने कैसे कैसे बोल लगाए और क्या बताया अंतिम कड़ी में।
रहेंगे, सो कऊ बुला के मारे दूध में बेक के दाल खवावे के पुत्र जा पर ले पारे। अरे सो सो ब्राह्मण रोज जमावे शहर में होरी रज़ जे